हाय, वी आर फ्रॉम अंकीज ब्राइडल मेकओवर एंड एकेडमी मुलुंड मुंबई, एंड आज हम लेके आए हैं लाइव सेशन फॉर अ क्विक ब्राइडल हेयर स्टाइल विच यू विल बी सीइंग इन दिस लाइव सेशन। और साथ में ही एक हमने ऑफर भी लाया है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने हमारा कोर्स 500 में ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। उनके लिए आज ये एक बहुत ही बड़ा 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 अपॉर्चुनिटी है टू ज्वाइन एट जस्ट ₹500। सो हमारा 15 डेज का जो कोर्स है, जिन्होंने भी अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, आपको मैं बता दूं कि उसकी फीस हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन की फीस हो चुकी है 1000। लेकिन जिन्होंने भी मिस कर दिया है अभी तक और अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स, अभी भी आपको एक मौका मिल रहा है ज्वाइन करने का 500 में। अगर आप 500 में ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपको आज लाइव में जो बताऊंगा वो आपको जस्ट एक स्टेप करना है और उसी एक स्टेप से आपको 500 में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। सो गाइज, कीप कनेक्टेड विद दिस लाइव शो टुडे एंड मेक श्योर यू आर देयर टिल दी एंड। और एंड तक आप जरूर से रहिए क्योंकि लास्ट तक हम कुछ ना कुछ जरूर से बताएंगे, कुछ भी मिस मत करिए, स्टे टिल दी एंड एंड एंजॉय। सो आज मेरे यहाँ पे जो हेयर है वो है विदाउट प्रिपरेशन, आप देख सकते हो, ना क्रिम्पिंग किया हुआ है, नथिंग। हेयर वॉश करके डायरेक्टली उनकी हेयर स्टाइल में स्टार्ट कर रही हूँ। सो किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से आज मैं एक ओपन लुक के साथ में एक बहुत ही क्यूट सा बटरफ्लाई दिखाने वाली हूँ। और क्यूट सा बटरफ्लाई मतलब ये दिख रहा। सो आज हम ये डेमोन्स्ट्रेट करने वाले है, ये क्यूट बटरफ्लाई आप किस तरह से बना सकते हो। इसके पहले आपको क्या क्या करना है ये सीखना है तो सर बता दीजिए, तब तक मैं ब्लो ड्राई कर दूंगी। रुको, आवाज आ रहा। यस, एक क्वेश्चन था, वो एक क्वेश्चन लेने दीजिए। हेयर का ऑनलाइन क्लास है क्या 500 में? यस, हेयर का 15 डेज का पूरा कोर्स है हमारा जो हम 500 में आपको रजिस्टर करने दे रहे हैं। बट हाउ टू रजिस्टर फॉर दैट, वी विल जस्ट गिव यू एग्जांपल, थोड़ा सा वेट करिए। सो लिटल फर्स्ट, जैसे मैं ब्लो ड्राई कर रही हूँ उसके पहले हीट प्रोटेक्शन लगा देंगे। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑलवेज आपको रखनी है जब भी आप क्लाइंट के हेयर पे वर्क करते हो। सो यहाँ पे हीट प्रोटेक्शन के बाद अगेन कूम एंड देन लिटल मूज एप्लीकेशन करूंगी ताकि इन्होंने शैम्पू वॉश किया है, कंडीशनर एप्लीकेशन की है, हेयर का टेक्सचर थोड़ा सा, मैं जैसे हेयर टच कर रही हूँ थोड़ा सा स्मूथ टेक्सचर है, तो मुझे स्मूथ टेक्सचर को थोड़ा सा रफ टेक्सचर क्रिएट करना है। सो अप्लाइंग द मूज। यस यस गाइस, तो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या स्टेप करना है, जिससे आपने अभी तक अगर रजिस्टर नहीं किया है तो 1000 के जगह पे आपको सिर्फ 500 रुपीज पे करना होगा रजिस्ट्रेशन फीस के लिए। तो उसका एक स्टेप इज वेरी सिंपल, आपको आज का ये लाइव सेशन शेयर करना है आपके स्टोरी पे, और स्टोरी पे शेयर करने के बाद आपको वहां पे 5 फ्रेंड्स, आपके मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट के 5 फ्रेंड्स हैं, उनको आपको उधर टैग करना है। So if you can do this, please make sure that you are sending the screenshot. अगर आप ये करते हो तो उसका screenshot भेजना है आपको हमारे नंबर पे 9773354947, इसी नंबर पे आपको screenshot भेजना है। We will verify it and then we will give you the way of how to go for the registration for 500 rupees only. So जिन्होंने भी 500 में miss किया है guys, this is a golden opportunity for all of you to do it. फटाफट फटाफट आप आपके वीडियोस को सेव करके रख लीजिए, ये वीडियो को हम सेव रखने वाले हैं फॉर अनदर 24 आवर्स। सो आप आपके स्टोरी पे डाल सकते हो, स्टोरी पे डालने के बाद आपको आपके स्टोरी में डालते ही आपको आपके 5 मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड्स को भी आपको टैग करना है। मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड्स है या फिर हो सकता है आपके हेयर स्टाइलिस्ट फ्रेंड्स है या फिर आपके सैलून फ्रेंड्स है, उनको सबको आपको टैग करना है। 5 पीपल आर टू बी टैग, हम वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई करने के बाद यू विल गेट अ अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन आवर कोर्स एट जस्ट ₹500। सो जिन्होंने भी मिस किया है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी विच वी आर ब्रिंगिंग इट फॉर यू। वी डोंट वॉन्ट एनी वन टू लूज आउट ऑन दी अपॉर्चुनिटी, इन द सेम वे वी ऑल्सो वॉन्ट यू टू शेयर दिस मैक्सिमम ऑन योर स्टोरी सो दैट यू गेट अ चांस एंड वी ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ इट। थैंक यू। तो आप देख सकते हो इनका बिफोर का जो टेक्सचर था और अभी मैंने जब मूज एप्लीकेशन किया है उसके बाद का टेक्सचर, सो इट्स ड्रास्टिक चेंज। तो बहुत बार हमें बोलते हैं ना हेयर स्टाइल बहुत लेंदी हो गई, किस तरह से हम उनको हेयर क्विक हेयर दे, बट यू नीड टू प्रिपेयर। ऑब्वियसली जब मेकअप करते हो तो मेकअप में स्किन प्रिपेयर करते हो, उसके बिना मेकअप सेट अच्छे से नहीं होता है। बहुत ज्यादा
पैची हो जाता है, वैसे ही आपको हेयर करने के पहले हेयर का थोड़ा सा प्रिपरेशन करना है, क्विक प्रिपरेशन, एंड फिर जो रिजल्ट आएगा दैट इज द प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट रिजल्ट। तो आपको अगर प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, परफेक्शन में काम करना है, सो आपको प्रिपरेशन में फोकस करना है। तो मैं हर एक स्टेप किस तरह से लगा रही हूँ वो देखिए। लास्ट हमने एक सेशन में ड्राई हेयर पे लगा के दिखाया था, आज मैं थोड़ा सा वेट हेयर पे लगा के दिखा रही हूँ। यस गाइस, एंड जिन्होंने भी अभी तक हमारा ये कोर्स रजिस्टर नहीं किया है, अभी कोर्स की फीस हो गई है 1000 रुपीज, रजिस्ट्रेशन की फीस है। कोर्स इज एब्सोल्युटली फ्री, कोर्स की कोई भी फी नहीं ले रहे हैं हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन की फी ले रहे हैं, जिसकी प्राइस हो गई है अभी 1000 रुपीज। सो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है कोर्स और अभी आप ज्वाइन करना चाहते हो, 500 में अगर आपको ज्वाइन करना है, जो हमने सबको ऑफर दिया था, ऑलमोस्ट 15 डेज तक हमने रन किया था, 15 डेज तक हमने रन किया था ये ऑफर 500 का। तो जिन्होंने भी मिस किया है, आपके पास एक और मौका लेकर आए हैं हम। जल्दी से जल्दी आप ये ध्यान में रख लीजिए आपको करना क्या है। स्टेप्स बहुत इजी है। इस लाइव वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आपको स्टोरी पे मेंशन करना है हमें, और ये लाइव वीडियो को आपके स्टोरी पे डालना है। अलोंग विथ डूइंग दैट आपको आपके 5 मेकअप आर्टिस्ट हेयर स्टाइलिस्ट फ्रेंड्स को भी टैग करना है, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले एंड दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। सो जिनको भी अभी पेंडिंग है, जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है, दिस इज वन वे ऑफ गेटिंग योर 500 रुपीज सेव्ड। सो जल्दी से जल्दी करिए, सेव करिए 500 रुपीज एंड मेक श्योर यू आर डूइंग इट बाय टूडे इटसेल्फ। जैसे ही आप शेयर करोगे स्टोरी पे, आपको शेयर करके स्टोरी पे 24 आवर्स तक कॉन्स्टेंटली रखना है, और 24 आवर्स तक जब आप रखोगे हम वेरीफाई करेंगे और आपको हम अपॉर्चुनिटी देंगे 500 में ज्वाइन करने की। सो यहाँ पे प्रिपरेशन में मैंने पहले तो सबसे पहले हीट प्रोटेक्शन एप्लीकेशन कर लिया है, उसके बाद मैंने मूव्स एप्लीकेशन कर लिया है, एंड नाउ अब मेरा प्रिपरेशन रहेगा स्ट्रेट ब्लो ड्राई। एकदम क्विक वे में मैं ब्लो ड्राई करने वाली हूँ, सो आप देखते रहिए। क्रिम्पिंग से ज्यादा फास्ट आपका ये हेयर स्टाइल भी हो जाएगा। बहुत क्लाइंट ऐसे जिनको स्टिकी क्रिम्पिंग पसंद नहीं आती, उनको नेचुरल हेयर में ही वेरिएशन चाहिए, सो आप क्विक में किस तरह से दे सकते हो। सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम ऑल माई व्यूअर्स, कितने लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं कर पाए हैं हमारे इस कोर्स में। 15 डेज का कोर्स है, 5 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक। 20 डेज का नॉर्मल टाइम पीरियड है, बट 15 डेज कोर्स के दिन होंगे। 2 PM टू 5 PM कोर्स का टाइमिंग होगा, जहां पे आप 25+ हेयर स्टाइल सीखने वाले हो, और वो भी सारे ऐसे हेयर स्टाइल जो सुपर ट्रेंडी होने वाले हैं। तो ऐसे हेयर स्टाइल्स आप सीखने वाले हो, और ये सब सीखते सीखते आपको हम साथ में ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज देंगे, जहां पे आप आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कर पाओगे लाइव सेशंस में ही, अलोंग विथ योर वीडियो ऑन। तो ये सब हम लेकर आए हैं हमारे इस कोर्स में। दिस इज फर्स्ट ऑफ अ काइंड ऑफ अ कोर्स, जहां पे हम आपको इतने सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं, और ये सब होने के बाद आपको हमारी तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। एंड दिस इज कोर्स फ्री जस्ट बिकॉज ऑफ माय बर्थडे स्पेशल मंथ। Yes. सिर्फ और सिर्फ फरवरी मंथ में ही ये बैच होता है। फरवरी इज अ बर्थडे स्पेशल मंथ फॉर अस, एंड वी गिव आउट एवरीथिंग फॉर फ्री। बट यस, फ्री में हम आपको कोर्सेज देते हैं, वी कैन नॉट गिव फ्री फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का फीस इज जस्ट 1000 रुपीज, और 1000 में भी अगर आपको 500 सेव करने हैं, तो आपको ये आज का लाइव सेशन शेयर करना होगा आपके स्टोरी पे, जहां पे आपको आपके 5 मेकअप आर्टिस्ट हेयर स्टाइलिस्ट फ्रेंड्स को भी टैग करोगे, और आपको हम ये ऑप्शन देंगे 500 में ज्वाइन करने के लिए। मेक श्योर कि आप आपके स्टोरी पे 24 आवर्स रखते हो, तो ही आपको 500 में मिलने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो यहां पे ब्लो ड्राई कर लूं, little dry and then straight blow dry first. So इतना quick आपका fast blow dry हो जाना चाहिए। So today we have started doing the hairstyle without any major preparations. In fact, there were 0 preparations done. कोई preparation नहीं किया था। आपने देखा होगा बाल already इतने लंबे हैं, और लंबे बालों को manage करना it's already a task. इसी को manage करने के लिए हमने सबसे पहले मूव्स एप्लीकेशन किया था। मूव्स था राइट, हीट प्रोटेक्शन।
हीट प्रोटेक्शन फर्स्ट एप्लीकेशन हुआ था, उसके बाद हमने मूज अप्लाई किया है एंड नाउ वी हैव जस्ट डन द ब्लो ड्राई प्रोसेस। तो जिससे आप देख रहे हो बाल एकदम अच्छे से सेटल हो चुके हैं, टैंगल फ्री हो चुके हैं एंड नाउ वी कैन गो फॉर आवर हेयर स्टाइल परफेक्टली इन द राइट वे। बहुत ही प्रिपरेशन हो जाएगा ना, उसके बाद हेयर स्टाइल में बहुत कम टाइम लगने वाला है। मेन अपना हमारा अभी का फोकस है सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पार्ट। अच्छा, हमारा वॉइस ऑडिबल है कि नहीं है, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको। बहुत ज्यादा एकदम से एकदम माइल्ड ब्लो ड्राई में काम करना है, बस उनका टेक्सचर जो है और मैंने जो मूव्स लगाया वो 100% प्रॉपरली ड्राई हो जाना चाहिए। हमारे लाइव वीडियोस जो रहेंगे कोर्स के वो 3 मंथ्स तक सेव्ड रहने वाले हैं, सो इफ इन केस यू गाइस आर नॉट एबल टू वॉच द कोर्स इन द लाइव सेशंस, तो आप बाद में दिन में कभी भी देख सकते हो, 3 महीने तक आप कभी भी देख सकते हो। प्रिपरेशन में मैंने सबसे पहले हीट प्रोटेक्शन किया, मूव्स एप्लीकेशन किया, फिर ब्लो ड्राई। सो दिस इज द प्रिपरेशन पार्ट। देखो जो अगर पहले से देख रहे हैं और अभी का उनका टेक्सचर कितना चेंज हो गया, जस्ट कितना क्विक मैंने ब्लो ड्राई कर लिया है उनके हेयर में। एंड आगे का सेक्शन भी इसी तरह से लिटिल ब्लो ड्राई। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको ब्लो ड्राई के लिए। दिस इज द रैंडम ब्लो ड्राई जो मैं आज आपको करके दिखा रही हूँ। परफेक्शन से ब्लो ड्राई भी होता है, परफेक्शन से ब्लो ड्राई से कर्ल्स भी होते हैं। बस इतना ही ब्लो ड्राई इनफ है मेरे मूव्स एप्लीकेशन को परफेक्ट रखने के लिए। अब की जो प्रोसेस है उसमें मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा जो बेबी हेयर है उसको मैं आयन, क्विक आयन से, ऊपर आयन से उसको थोड़ा सेटल करूंगी एंड देन आई विल वर्क। Is our voice audible today? Because I am not able to get any answers from any of our viewers. तो आज का हमारा जो लाइव सेशन है उसमें आपको वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए गाइज। पता नहीं, वही चेक करो। यस ऑडिबल, थैंक यू। सो यहाँ पे क्विकली मैंने ब्लो ड्राई सॉरी आइनिंग लिया है फ्रॉम आइकॉनिक मशीन एंड इट्स अ गोल्ड सिरामिक मशीन। एकदम क्विक में जिसे उसका फिनिशिंग भी आ जाए। सी द टेक्सचर, यहाँ पे देखो इसका टेक्सचर। सिर्फ 2 पार्टीशन में मैंने बड़े बड़े सेक्शन में किया और यहाँ पे देखो लिटिल हेल्थ बेबी हेल्थ प्रॉब्लम है और वहां पे बिल्कुल नहीं है। सो इस तरह की बहुत सारी प्रिपरेशन भी आप सीखने वाले हो, तो इस तरह की प्रिपरेशन हर हेयर टेक्सचर पे किस तरह से करना है। कई बार वॉल्यूम ज्यादा होता है, कई बार एक्सटेंशन की रिक्वायर्ड होती है, तो वो सब मैनेज करके आपको एक क्विक प्रैक्टिकल ट्रेंडी हेयर स्टाइल किस तरह से बनानी है एंड क्रिएटिविटी के साथ में। नो डाउट एडवांस भी रहेंगे हेयर स्टाइल्स, बट जिनको क्विक का डिमांड है उनके लिए ये परफेक्ट सेक्शन हमारा जो ऑनलाइन क्लास आ रहा है, दिस इज द परफेक्ट वन फॉर ऑल ऑफ देम कि आपके प्रैक्टिकल क्लाइंट ब्राइड को देना है। नाउ यू कैन सी अब मैं यहाँ पे कुछ भी वेरिएशन लू कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ में काम होगा। सो दिस मच ऑफ प्रिपरेशन रिक्वायर्ड एंड नाउ लिटिल बैक साइड यहाँ पे ऊपर ही करना है, बहुत ज्यादा डीपली लेना नहीं है आपको।
इसी के लिए। So that's it, इतनी प्रिपरेशन आपकी रिक्वायर्ड है। अब मैं वेरिएशन स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे लिटिल पफ पार्ट, फ्रंट पार्ट एंड हम बैक वेरिएशन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं पफ सेक्शन थोड़ा सा ले रही हूँ, चाहे तो दूसरे वे में भी इसको कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा अलग तरीके से इसको आपके क्लाइंट को किस तरह से यूज होगा वो दिखाना चाहती हूँ। हल्का सा यहाँ पे हम बैक कोमिंग से लिटिल कर्व बना देंगे। सो यहाँ पे सी क्रिम्पिंग वाले बाल नहीं भी होते हैं तो भी आपकी बैक कोमिंग परफेक्ट होनी ही है। बहुत ज्यादा बड़ा कर्व नहीं करना, बिकॉज मैं यहाँ पे आज जो कर रही हूँ वेरिएशन वो मेरा वेरिएशन है ओपन लुक वेरिएशन। सो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली आपको पफ सेक्शन क्रिएट करना है। हर एक का बैक कॉमिंग अलग होता है, रेगुलर हेयर विदाउट क्रिम्पिंग हेयर पे कितना बैक कॉमिंग करना है और क्रिम्पिंग वाले बालों पे किस तरह से बैक कॉमिंग करना है। सेक्शन शुड बी राउंड, नीट एंड क्लीन। यहाँ पे मैं अभी यूज कर रही हूँ पी प्रोफेशनल हार्ट स्प्रे। सो इस तरह से कौन से एंगल पे आपको बैक कॉमिंग जानी है, कौन से एंगल पे आपको स्प्रे करना है, कितना डायरेक्शन कब कौन सा प्रोडक्ट आपको ज्यादा यूज में आएगा और किस तरह से यूज करके आप बेस्ट क्रिएटिविटी कर सकते हो, बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हो, वो आपको इसमें नॉलेज मिलने वाला है। सो गाइज, दिस इज गोइंग टू बी अ सेशन फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू बी अ प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट। अगर आपने आज तक हेयर स्टाइल का कोर्स किया है और आपको अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो ये कोर्स आप ही के लिए है, बिकॉज हम इसमें आपको सिखाने वाले हैं बेसिक टू एडवांस टूल्स नॉलेज भी होगा इसमें, प्रोडक्ट्स के नॉलेज भी होंगे इसमें, आपको अलग अलग टेक्निक्स भी सिखाई जाएगी, बेसिक की टेक्निक्स, एडवांस की टेक्निक्स, पफ कैसे बनाना है, बन कैसे बनाना है, ब्रेड्स कैसी बनानी होती है, कौन से स्टाइल्स की होती है, फेस फ्रेमिंग क्या होता है, ये सब हम बताने वाले हैं हमारे थियोरी सेशन में। और साथ में ही हम आपको 25 प्लस ऐसे हेयर स्टाइल सिखाएंगे जो आजकल सुपर ट्रेंडी है, जो क्लाइंट को पसंद है वैसे टाइप के 25 हेयर स्टाइल्स सिखाएंगे हम आपको, जिसमें से बहुत सारे ऐसे हेयर स्टाइल्स हैं जो आप कन्वर्ट कर पाओगे टू 4 to 5 अदर हेयर स्टाइल्स। मतलब अगर आपने एक हेयर स्टाइल सीखा है तो उसी को आप 4-5 में कन्वर्ट कर पाओगे, ऐसे टाइप ऑफ हेयर स्टाइल्स भी हम आपको सिखाने वाले हैं। सो गाइज, दिस इज गोइंग टू बी, अगर आप रियली में देखा जाएगा तो एवरेज भी अगर 3 पकड़ लेते हो तो अराउंड 75 हेयर स्टाइल्स इज वॉट यू आर गोइंग टू लर्न। इतना सारा आप सीखने वाले हो और जो सीखने का प्रोसीजर है वो भी बहुत अलग तरीके का प्रोसीजर हम लेकर आए हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। और वो होता है कि जो भी आपको हम सिखाएंगे वो होगा सब आपके लर्निंग पेस के ऊपर, यानी कि हम आपको ऐसे सिखाएंगे जहां पे आप खुद भी साथ में कर पाओगे, उस स्पीड पे हम आपको सिखाने वाले हैं ताकि सीखने के बाद आपको हर एक चीज ध्यान से समझ में आ जाए और आप साथ में कंप्लीट करके उसका फीडबैक भी ले पाओ। अब ये सब करने के बाद नेक्स्ट जब आप हमारे साथ लाइव सेशन में रहोगे तो लाइव सेशन में भी आपको मौका मिलेगा लाइव वीडियो पर आने का और आपके क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो और आपकी जो आपने हेयर स्टाइलिंग की है वो भी आप दिखा सकते हो। आपको सिर्फ आपकी डमी लेके बैठनी है और डमी लेके आप आपका पूरा काम वहां पे सीख सकते हो। हम आपको रियल हेयर पे दिखाएंगे, आप आपके डमी पे साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप रियली में आपके अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप अपग्रेड कर पाओगे। दिस इज प्रॉपरली फॉर द अपग्रेडेशन प्रैक्टिस कोर्स। जो लास्ट ईयर हम कोर्स लेके आए थे हेयर का,
उससे ये वाला कोर्स टोटली डिफरेंट है. ऑफ कोर्स थियोरी कंटेंट काफी सिमिलर होता है, बट जो हम हेयर स्टाइल्स देने वाले हैं, जैसा हम आपको सिखाने वाले हैं, ये टोटली डिफरेंट होगा. इट इज नॉट गोइंग टू बी इवन 30% सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन लास्ट टाइम. लास्ट ईयर हमने जो हेयर कोर्स लिया था उसका इस बार के कोर्स के साथ 30% भी सिमिलैरिटीज नहीं है गाइस. मोस्ट ऑफ वी आर प्लानिंग टू ऑल द न्यू वेरिएशन, और हम वैसे भी प्लान कर रहे हैं सारे के सारे नए वेरिएशंस के लिए. तो जिन्होंने भी अभी तक वो वेरिएशंस नहीं देखे हैं उनको तो बहुत ही मजा आएगा. जिन्होंने देखे हैं उनको ये पता चलेगा कि क्रिएटिविटी और कौन से लेवल तक जा सकती है. बजट में डमी सजेस्ट करो ना. बजट में डमी आपको चाहिए तो आप हमसे भी ले सकते हो. इट विल नॉट एग्जैक्टली बी अ बजट फ्रेंडली वन, बट यस बहुत ही सुपर क्वालिटी की डमी है जो हम आपको यहाँ पे से दे सकते हैं. सो यहाँ पे मैं एड ऑन टेक्निक का यूज कर रही हूँ. सिंपल फ्रंट से भी हमारा बहुत यूनिक काम हो सकता है. जो हमारा मेन पार्ट है, फोकस पार्ट है, वो मैं बैक में आपको आज बटरफ्लाई सिखाने वाली हूँ. वो मेरा मेन फोकस पार्ट है आज के हेयर स्टाइल का. तो यहां से एक बहुत ही एलिगेंट, सिंपल एलिगेंट फ्रंट वेरिएशन ले रही हूं. और कैसे वेरिएशन में आगे जाना है, लुक कैसे परफेक्ट आएगा, वो डिपेंड करता है आपके हैंड मूवमेंट्स पे. आपके एड ऑन किस तरह से टेक्निक होती है उसके ऊपर सारा वेरिएशन डिपेंड करता है. मैं ये पूरा जो वेरिएशन है टिल दी बैक तक लेके जा रही हूं. एंड यहां पे हम ये साइड को लॉक कर देंगे. यहाँ पे मैं एक बॉबी पिन कर रही हूँ. ये सही. एंड द सेम वे यहां से भी ऑपोजिट साइड से भी लिटिल वेरिएशन लेंगे हम. तो लेना किस तरह से है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट.
ऊपर से सो ब्यूटीफुल लुकिंग एंड परफेक्टली इसको लॉक भी करना है आपको। अब बारी आती है मेरे बटरफ्लाई की, जो मेरा मेन फोकस था आज का बटरफ्लाई। कितने लोगों को सीखना है? हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू लर्न द बटरफ्लाई रियली? जल्दी से कमेंट में बताइए किसको किसको बटरफ्लाई सीखना है। बटरफ्लाई ऑन द हेयर स्टाइल, रियल हेयर के साथ बटरफ्लाई आप बना सकते हो, ये कितने लोगों को सीखना है? मी वेरी नाइस, थैंक यू अमीशा, ग्लैमरस बेगम, हीरा, नाइस, थैंक यू भूमिका। क्लास फीस इज टोटली फ्री, यू जस्ट नीड टू पे फॉर द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की फीस है 1000 rupees ओनली। अगर आपको डायरेक्टली रजिस्टर करना है 1000 rupees, प्रोसेस इज सुपर सुपर सिंपल। आपको सिर्फ और सिर्फ हमने नंबर नीचे पिन किया है, उस पर आपको 1000 का पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेज देना है। स्क्रीनशॉट भेजने पे ही हम आपको डायरेक्टली रजिस्टर कर लेंगे इस कोर्स के लिए। और अगर आपको 500 पे करके अगर ये कोर्स में एनरोल करना है, द प्रोसेस इज सुपर सिंपल अगेन। आपको आज का लाइव सेशन शेयर करना है हमारे आपके खुद के स्टोरी पर, और आपको मेंशन करना है, टैग करना है आपके 5 दूसरे फ्रेंड्स को जो मेकअप आर्टिस्ट है या तो हेयर स्टाइलिस्ट है, उनको टैग करके आपको उसी का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है जो मैंने नीचे पिन किया हुआ है। हम वेरीफाई कर लेंगे आपकी स्टोरी पे से, एंड वंस द वेरिफिकेशन इज डन हम आपको रिवर्ट कर देंगे ज्वाइन करने के लिए, एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन एट जस्ट ₹500। गाइज अगर आपको 500 अभी भी बचाने हैं तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 500 rupees सेव करने की। मेक श्योर यू आर डूइंग इट क्विकली एंड सून इनफ, बिकॉज 500 सिर्फ और सिर्फ आज पर्टिकुलर ये 3 दिन के लिए है, आज कल और परसों। उसके बाद इसकी फीस हो जाएगी ₹2000 एक्चुअल फीस, तो फिर उसके 50% पे भी अगर कुछ हम ऑफर लाते हैं तो दैट विल बी नॉट लेस देन ₹1000 गाइस। सर मेरा नाम लिया, थैंक यू। यस आई टेक द नेम्स ऑफ एवरीवन हु रिप्लाइज, तो जनरली आई डू दैट। पहले जो करते हैं रिप्लाई फटाफट उनको तो नाम जरूर से लेते हैं हम। मैं बहुत ज्यादा अच्छे से सिखाती है मैम, यस थैंक यू सो मच। मुझे यस थैंक यू। What is the hairspray name? Hairspray name is Osis Plus and we are using P Professional for holding. Osis से हम shine करवाते हैं and P Professional से hold करवाते हैं। So अब मैं start करती हूँ, let's start। यहाँ पे मैंने दो section को थोड़ा iron कर लिया है perfectly। So अब मैंने जो first section को rubber band बनाया था वो section मैंने पहले हाथ में लिया है। बहुत इजी है, बट ध्यान से देखना, ध्यान से नहीं देखोगे तो नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, मेरे नॉर्मल हेयर है, क्रिम्पिंग वाले हेयर नहीं है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ निर्मल जेल का। एक स्टिकी जेल नहीं यूज करना है आपको, जेल ऐसा यूज करना है जो लिक्विड बेस्ड हो। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ लिक्विड बेस्ड जेल और उसको अच्छे से इस तरह से, ताकि बेबी हेयर ना दिखे और फिनिशिंग में मेरा काम भी हो, ठीक है। इसको मैं साइड में रख लेती हूँ। इसी तरह से ये वाले सेक्शन में भी मैं थोड़ा सा निर्मल जेल का यूज कर दूंगी। अब चाहे तो इतने सेक्शन को क्रिम्पिंग का टाइम है तो आप फटाफट से ये वाला और ये वाला सेक्शन क्रिम्पिंग कर सकते हो, बट वो भी नहीं है सो आप उसको भी अवॉइड कर सकते हो, निर्मल जेल लगा दो। या ऐसे भी करना है रैंडमली किसी को पसंद है तो वो भी कर सकते हो, जो बहुत ज्यादा फिनिशिंग में बिलीव करता है कि एक एक बाल एकदम परफेक्ट होना चाहिए, सो उस तरह से करिए। नेम ऑफ द जेल इज निर्वेल, निर्वेल जेल, वेट जेल। एक्सीलेंट टीचिंग, थैंक यू। So, इससे क्या होगा, मेरे बेबी हेयर अगर ये बालों पे है तो वो सॉल्व हो जाएगा मेरा प्रॉब्लम, और उसको प्रॉपरली परफेक्टली इसको स्प्रेड आउट करो और अप्लाई करो। सी नाउ यू कैन सी हियर द टेक्सचर इज
एकदम इवन टेक्सचर है और अच्छा खासा एक टेक्सचर है। अब ध्यान से देखना ये चीज। नाउ वापस से मैंने पफ वाला सेक्शन ले लिया है और यहाँ का सेक्शन पहले मैं ले रही हूँ। वेरी नाइस वर्क, थैंक यू। यहाँ से नॉट बनाएंगे। आई विल मेक फर्स्ट नॉट फ्रॉम दिस साइड। फर्स्ट नॉट बना दिया, ये नॉट को हम साइड में रखेंगे थोड़ा टाइम। तब तक वापस से ये वाला सेक्शन लेंगे। निर्वेल जेल फॉर व्हाट पर्पस? फॉर बेबी हेयर, मिनिमाइजिंग द बेबी हेयर एंड बेसिकली हेयर को सेटल करने के लिए। यू कैन सेटल योर हेयर इजीली। बेबी हेयर है जो बाल उड़ते रहते हैं ना, छोटे वाले बाल, अगर आप उनको फ्लाई नहीं करना देने चाहते हो तो यू कैन अप्लाई निर्वेल जेल। सो नाउ सी हाउ वी आर गोइंग फॉर द नॉट। ये आप देखोगे पहले हमने सेक्शन को पकड़ के रखा है, दूसरे सेक्शन से रोल किया है एंड फर्स्ट सेक्शन के साथ फिर से टैंगल करके उसको हमने नॉट टाई कर दिया। दोनों साइड से नॉट लिया है, आप देख सकते हो दोनों साइड का नॉट। अब ये नॉट को, ये मैंने जो गार्ड बनाई है यहाँ पे, उसमें से पास करना है। सो गाइस जस्ट पे अटेंशन नाउ, दिस इज सीरियसली इंटरेस्टिंग। ये देखिए यहाँ पे आपको नॉट के बीच में से फिंगर्स इंसर्ट करके जो आपने अभी दो नॉट्स बनाई थी उनको आपको सीधे सीधा निकाल लेना है एंड वंस यू टेक इट आउट अच्छे से थोड़ा सा उसको टाइट कर लीजिए। दिस इज हाउ यू डू इट। एंड नाउ दो सेक्शन यस एंड देन अगेन सेपरेट दो सेक्शंस और सेक्शंस बना के पास हुआ था उसी में से उसको अगेन यस जहां से आपने पहले उसको पास किया था फिर से वहीं पे आपको रीपास कर देना है। इट इज बेसिकली चेन मेकिंग। सो आपने एक जगह से निकाला है फिर से आप वहीं से आप उसको पास करोगे जिसमें से वो आया है। सो दैट्स हाउ यू डू इट। जेल के अलावा शाइन स्प्रे यूज कर सकते हैं? नहीं, बट यस जेल का जो काम है वो जेल का ही काम होगा। शाइन स्प्रे का जो काम है वो सिर्फ शाइन स्प्रे का ही काम कर सकता है। शाइन स्प्रे इज जस्ट टू सेटल द आउटर लेयर। अगर आप जेल यूज करोगे तो आपको 100% रिजल्ट आता है। शाइन स्प्रे इज मोर फॉर द फिनिशिंग पार्ट एंड सेटलिंग पार्ट के लिए आपको जेल यूज करना जरूरी है। इट इज कॉल्ड एज नीरवेल जेल, NIRVEL नीरवेल। लुक एट माय बटरफ्लाई। यू कैन गेट इट फ्रॉम अस एज वेल एंड यू कैन गेट इट फ्रॉम नीरवेल वेबसाइट ऑल्सो। यू कैन गेट इट फ्रॉम एनीवेयर। सो देखिए बटरफ्लाई बन चुका है। आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पे सेक्शन है ना वही सेक्शन हम यूज करके उसको मिक्स कर रहे हैं। And just after mixing it, you can see we have just fixed it at a given location. और अभी उसको rubber band से fix कर दे रहे हैं ताकि they don't go out. And वो होने के बाद pinning करके we will completely fix it. Correct? That's it. So you can see this. It's ready. ये butterfly, इसको butterfly बोल सकते हैं, इसको bow भी बोल सकते हैं, heart shape bow भी हो गया आपका ये. You can have number of creations with these kind of techniques. अगर इसपे हाइलाइट्स वाले बाल रहते तो ये और भी ब्यूटीफुल लगता, बट किसी के हाइलाइट्स वाले नहीं है। अगर आपको करना भी है हाइलाइट्स तो हम क्या लगा सकते हैं? दैट कलर, हेयर कलर, स्प्रे, ग्लिटर। ओके, सो अगर आपको इसको हाईलाइट करना है जो अभी आपने वो बनाया है, वैसे तो आपको सेम कलर पे हार्डली कभी नोटिस होगा, बट आपको अगर हाईलाइट करना है तो आप इसको ग्लिटर के साथ अप्लाई कर सकते हो। एंड ग्लिटर से होगा ये कि वो आंखों में दिख जाएगा, तो वो सीधा आंखों में आ जाएगा। यू विल बी एबल टू शो योर क्रिएटिविटी टू द पीपल। हेयर स्प्रे कलर आप यूज करना चाहते हो तो आपको पहले करना होगा बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एंड उसको सूखने करने के लिए भी टाइम जाता है, सो दैट मे और मे नॉट बी ऑलवेज फीजिबल। सो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं वो मैं दिखा देती हूँ। गाइज दिस इज अगेन समथिंग विच इज नॉट शोन एवरी डे। सब लोगों को ये टेक्निक नहीं भी पता होती है, सो जस्ट हैव अ लुक। सो यहाँ से आपको थोड़ा सा ग्लिटर लेना है आपके स्पैचुला पे और वो करने के बाद
ब्रश के साथ आप यूज करोगे, जेल को यूज करके मिक्स करके आप उसको अप्लाई करोगे ब्रश के साथ में. सो द टेक्निक इज सुपर सिंपल. बहुत धीरे से खुलना उठ जाता है. सो यहाँ पे बिग पार्टिकल्स लेने हैं, कोई भी मैक्रो ग्लिटर्स आपको लेना है. थोड़ा सा मैंने ग्लिटर मैक्रो ग्लिटर लेना होता है, माइक्रो ग्लिटर मत लीजिएगा बिकॉज माइक्रो ग्लिटर काम आएगा आपका निर्वेल का वेट जेल. सो अगेन सी अगेन वी आर गोइंग टू यूज द निर्वेल वेट जेल. ग्लिटर के ऊपर हम एक ड्रॉप निर्वेल वेट जेल यूज कर रहे हैं और यूज करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स इट प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ योर फ्लफी ब्रश. ये देखिए कैसे हम इसको मिक्स कर रहे हैं, जस्ट जैसे चटनी बनाना है वैसे ही चटनी बनाना है आपको यहाँ पे. एंड हो गया आपकी चटनी रेडी एंड नाउ यू कैन जस्ट अप्लाई इट. ये देखिए ऐसे आप अप्लाई करोगे, इट विल गेट इन टू द आईज of the viewers. हम ग्लिटर ग्लिटर हो गए. इस तरह से आपका बटरफ्लाई भी शो हो जाएगा परफेक्टली. तो कितने लोगों को ये टेक्निक पता थी कि आप बालों के ऊपर भी ये सब कर सकते हो. सी दिस इज हाउ यू आर अप्लाइंग इट एंड अप्लाई करके आप जब लास्ट में इसका जब आप फिनिश्ड पार्ट देखोगे तब आपको पता चलेगा कि यार ये तो सही में एक यूनिक काइंड ऑफ अ बटरफ्लाई है. So, इस तरह से एक बटरफ्लाई भी बना सकते हो. नीचे वाले बालों को आप कर्ल्स करके आप सेट कर सकते हो या ऐसे ही आयरन करके भी सेट कर दीजिए या कर्ल्स करके सेट कर दीजिए. सो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट. आप एक बटरफ्लाई बना के भी दिखा सकते हो और यू कैन ऑल्सो यूज योर एसेसरीज. बट अगर आप एसेसरीज लगाते हो तो इट बिकम्स क्वाइट ऑब्वियस. यहाँ पे आपको अगर आपने बाल को ऐसे खुला छोड़ना है तो आप ऐसे ही खुले छोड़ सकते हो आयनिंग करके, या फिर आप यहाँ पे कर्ल्स भी बना सकते हो. कर्ल्स भी बना के आप इनको छोड़ सकते हो. इट विल लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग. सिर्फ नीचे नीचे कर्ल्स करना है तो सिर्फ नीचे नीचे कर्ल्स दे दीजिए. सो गाइज यू कैन जस्ट पुट अप इन टू द कमेंट्स कैसा लगा आपको आज का हेयर स्टाइल. और इनफैक्ट इट्स नॉट अ कम्प्लीट हेयर स्टाइल, इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट. बट आपको ये भी पार्ट कैसा लगा है जल्दी से कमेंट में बताइए, पसंद आया कि नहीं पसंद आया जल्दी से बताइए कमेंट में. नाइस थैंक यू वेरी नाइस. थैंक यू निशा जी, थैंक यू प्रोजेक्टर.
वी आर जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया कि आप कर्ल्स लॉन्ग कर्ल्स करके कैसे कर सकते हो. यस, हम क्लास में ज्यादा सिखाएंगे आपको किस तरह से प्रॉपर कर्ल्स आपको लेने हैं. बहुत क्लोज हुआ है क्या कैमरा कोमल? आई जस्ट हर्ड यू बिफोर यू इवन मेंशन्ड इन द कमेंट. मैंने इसके पहले किया था, दैट वाज जस्ट टू शोकेस हाउ इट इज सीन एट द डिटेल्स पार्ट. सो नाउ द कैमरा एंगल इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कर्ल्स करके छोड़ सकते हो. सो दीज आर लॉन्ग कर्ल्स जो हमने बताए हैं आपको. छोटे छोटे कर्ल्स भी करोगे तो भी उसमें काफी अच्छा दिखेगा. अगर आपके पास एक ही मशीन है तो आप एक ही मशीन के साथ कर्ल्स करके तुरंत आप काम कंप्लीट कर सकते हो. अगर आप कर्ल्स मशीन लेकर गए हो तो उससे भी आप काम कर सकते हो. बटरफ्लाई बनाना है, बटरफ्लाई के अलावा भी आप क्या क्या बना सकते हो. दूसरा वेरिएशन, अगर नॉर्मल हेयर है और नॉर्मल हेयर में कुछ अच्छा सा वेरिएशन बनाना है सो आप क्या क्रिएटिविटी आप करके दे सकते हो. सो यहां से एक सेक्शन लिया मैंने, तो मैंने ब्रेड बनाया, एंड इसमें से एक एक सेक्शन हम यहां पे ऐड करते जाएंगे. सो जस्ट हाउ वी हैव शोन यू वन टेक्निक, अभी हम दूसरी टेक्निक बता रहे हैं कैसे आप हेयर स्टाइल को और भी क्रिएटिव और गुड लुकिंग बना सकते हो. व्हाट डू यू कॉल दिस हेयर स्टाइल मैम? ब्रेड स्टाइलिंग. ड्रॉप ब्रेड स्टाइलिंग. सो इट्स कॉल्ड एज अ ड्रॉप ब्रेड स्टाइलिंग. आपको एक एक सेक्शन बाहर से लेते जाना है. यस, इट्स एडिंग ऑफ द ब्रेड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स. तो आपको उसको ड्रॉप करते जाना है आपके ब्रेड के साथ में सेक्शंस ले लेके. सो दिस यू आल्सो कैन कॉल इट एज अ ब्रेड स्टाइल, ड्रॉप ब्रेड स्टाइल. सो इस तरह से भी आप दे सकते हो ब्रेड्स. इसको थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर दो. यहाँ पे मैंने दो अलग अलग वे से ऐड किया है, हर एक सेक्शन में ऐड कर सकते हो सो उसका लुक अलग आएगा. और यहाँ पे मैंने सिर्फ नीचे नीचे ऐड किया है सो उसका लुक भी अलग आएगा. किसी को ऊपर से प्ले कुछ एसेसरी प्लेस करना है तो भी कर सकते हो. सो नीचे से ड्रॉप आउट दिखेगा, ये वाला वेरिएशन भी आप ऐसे ले सकते हो. दोनों वे से कर सकते हो या फिर सिंपल इसी में दो अलग अलग पार्टीशन कर देंगे. सो नाउ दिस इज द थर्ड स्टाइल गाइस दैट यू आर वॉचिंग ओवर हियर टुडे. आज मैम आपको इतना सब कुछ बता रहे हैं एक ही हेयर स्टाइल में, आपको देख के बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है. सो गाइस वन लास्ट टाइम आई विल जस्ट रिपीट अगेन, एंड दिस इज माय लास्ट वेरिएशन. यस, लास्ट वेरिएशन कंप्लीट हो उसके पहले मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ. बर्थडे स्पेशल के मंथ में, मतलब यानी कि फरवरी मंथ में हम लेकर आते हैं फ्री कोर्सेस, तो उसी में इस बार हम फ्री कोर्स लेकर आए हैं. वो है 15 डेज का हेयर स्टाइल कोर्स जिसमें आप बेसिक टू एडवांस सब कुछ सीखोगे along with the product knowledge, tools knowledge, techniques, basic techniques होगी और advanced techniques भी होगी. spreading, pulling, twisting, ये सारे techniques भी हम आपको सिखाने वाले हैं. 25 plus अलग अलग variations hairstyle सिखाने वाले हैं जो trending है और जो maximum demanded by brides हैं, वो सब हम आपको सिखाने वाले हैं.
ये सब होगा 5th of February से लेके 24th of February, 5 से लेके 24 फरवरी के बीच में, 2 बजे से 5 बजे तक डेली होने वाला है ये मेगा मेगा क्लास। और इस क्लास में ज्वाइन करने के लिए आपको कोई फीस पे नहीं करनी है क्लास की, आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा विद ₹1000, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके आपको ज्वाइन कर लेना है ये क्लास। कोर्स की कोई भी फी नहीं ले रहे हम आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, वही आपको पे करके आपको ज्वाइन करना है, दैट्स इट। सो गाइज, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइनिंग प्रोसेस इज वेरी सिंपल। मैंने नंबर नीचे पिन किया है 9773354947, इसी नंबर पे आप फोन पे, पेटीएम, जी पे कर सकते हो। ₹1000 पे करके आपको सेम नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है स्क्रीनशॉट पेमेंट का, आपके नाम के साथ और आप कौन से शहर से बिलोंग करते हो उसके साथ। और अगर आप ये सेम चीज 500 में करना चाहते हो तो भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। 500 में ये कोर्स करने के लिए आपको सिर्फ एक सिंपल स्टेप करना है, आज ये लाइव कंप्लीट करने के बाद आपको इसी लाइव को आपके स्टोरी पे डाल देना है, और स्टोरी पे डाल के ही आपको आपके 5 मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट फ्रेंड्स को भी टैग करना है, और वो टैग करके फोटो निकाल के, स्क्रीनशॉट निकाल के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है, विच इज 9773354947। 24 घंटे तक आपको आपके स्टोरी पे रखना होगा, और वो रखने के बाद हम इंश्योर कर लेंगे एक बार, और फिर आपको हम ज्वाइन करने के लिए प्रोसीजर दे देंगे, जस्ट एट ₹500। सो अगर आपको 500 में करना है 50% डिस्काउंट लेके, तो दिस इज अगेन अनदर ऑप्शन ऑफ डूइंग इट। आपको फ्री कोर्स में भी डिस्काउंट मिल रहा है, दैट ऑल्सो एट 50%। सो गाइज, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी यू शुड नॉट लूज आउट ऑन। अगर आपको ज्वाइन करना था नहीं कर पाए हो तो वी हैव स्टिल गिवन यू वन मोर चांस टू डू दैट, डोंट मिस आउट ऑन इट एंड डू इट क्विकली। यहाँ पे ये वेरिएशन कंप्लीट होता है, समथिंग एलिगेंट। यहाँ पे आप बीट्स लगा सकते हो, आपको जो चाहिए आप लगा के यहाँ पे एक अच्छा खासा वेरिएशन दिखा सकते हो। छोटा सा ये थी ना बीट नहीं, दोरी छोटी वाली। So we are done with today's style, almost we are done. अभी बस लास्ट में उसको सजा धजाने का काम बचा हुआ है, वही कंप्लीट करके our live session will be over today. अगर आपको 500 में ज्वाइन करना है तो इसी लाइव सेशन को आपके स्टोरी पे मेंशन करना मत भूलना, और साथ में ही जब मेंशन करते हो तो 5 मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट फ्रेंड्स को आपको टैग करना है, और उनको टैग करने के बाद आपको वो स्टोरी को 24 hours तक इसी तरीके से रखना है। हम वेरीफाई करेंगे और आपको हम ऑप्शन दे देंगे ज्वाइन करने के लिए। सो इस तरह से आप एक अच्छी सी ब्रेड बना दीजिए, चाहिए तो यहाँ पे बीट्स लगा सकते हो, या फिर एकदम छोटी नहीं है, दूरी वाले की छोटी नहीं रहेगी ना। तो यहाँ पे सजा धजाने का काम में आप ये कर सकते हो, एक कोई भी ब्रेड ले लो और एक थ्रेड ले लो, एंड कलर मैचिंग लेना, मैंने तो ऐसे ही लिया है, एंड देन आप उसको इस तरह से। कलर मैचिंग कैसे लेना है तो वो एक सिंपल प्रोसीजर है, आपको आपके क्लाइंट को पहले ही पूछ लेना है कि आउटफिट का फोटो भेज दीजिए, ताकि आपके पास रेडी रहे उस कलर का ऐसा लेस, या ऐसे ही लो गोल्डन सिल्वर गोल्डन सिल्वर भी आप लेके रख सकते हो, जो सभी चीजों पे जाएगा ही जाएगा। सो दैट्स समथिंग दैट यू कैन कीप इट फॉर एवरीथिंग इन कॉमन। अभी बीट्स वगैरह बहुत रनिंग है, आप वो ले सकते हो। वाओ, नाइस, थैंक यू। वी आर ऑलमोस्ट डन ओवर हियर विद द लाइव सेशन टुडे, एंड नेक्स्ट लाइव सेशन हम वापस बहुत जल्दी लेकर आएंगे, बट टिल देन आप हमें फॉलो करते रहिए,
और हमारे सारे रील्स को और पोस्ट को डेफिनेटली देखते जाइए, और अगर आपको पसंद आता है तो शेयर भी करिए। तो इस तरह से एक अच्छा सा नॉट बना देना है जो डिजाइन लगे एंड इट इज वेरी ट्रेंडी नाउ, और यहाँ पे मैं इसको लॉक कर देती हूँ। अमेजिंग, थैंक यू। आप ये वाली नॉट को आगे के लिए वेरिएशन के लिए भी मैचिंग में ले सकते हो, ताकि आगे से लेके बैक में मैच कर जाए वो। और बाकी छोटे छोटे बीट्स होते हैं, आप वो अप्लाई कर सकते हो। Superb, thank you so much guys. If you have liked this, you can definitely put it up in comments. हमें बहुत अच्छा लगता है comments पढ़ के, so if you really have liked it, you can put it into comments. And अगर आपको कुछ और नया interesting कुछ देखना है तो आप वो भी जरूर से देख सकते हो। आप मैसेज में भी बता सकते हो कि आपको नया क्या देखना है, वो भी आप मैसेज में डाल के जरूर से बता सकते हो। वॉल्यूम देखो, जितना वॉल्यूम था उतना मैंने उसे ग्रेड में बहुत कम वॉल्यूम हो जाता है, और अभी हार्डली सम वॉल्यूम्स आर रिमेनिंग। तो हम इसको एक सिंपल टेक्निक से इन और आउट में कर्ल्स दे देंगे। 2 मिनट लगेगा, फटाफट हो जाएगा। मैम पिक लेना है, यस डोंट वरी, वी विल शो यू लास्ट। अभी होने तो दीजिए, पूरा कंप्लीट होने दीजिए। कंप्लीट होने आया है, बस 1-2 मिनट बचा हुआ है। सो 2 मिनट में ये बन जाएगा, ये कर्ल्स 2 मिनट में हो जाएंगे, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला है। सो आफ्टर दैट यू कैन टेक द फोटो। अभी जो है वो इतना सही नहीं है, जो कर्ल्स के बाद दिखेगा दैट वुड बी रियली एन ऑसम लुक फाइनली। आप ऑलरेडी साइड में देख ही सकते हो कैसे कर्ल्स बैठ रहे हैं साथ में, इट इज रियली लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी जनरली कीप इट। लास्ट टाइम मैंने बताया था इस तरह से थोड़ा सा आप हीट दे दो हेयर में एंड देन यू टेक अ कर्ल्स, एक तो फिनिशिंग भी आ जाएगी, हीट लग गई है तो फास्ट कर्ल्स भी हो जाएंगे आपके हेयर में। सो ऐसे सारे टिक्स एंड ट्रिप्स आपको जनरली नहीं मिलते हैं, ये सारे ट्रिक्स और टिप्स आपको हमारे अंकीज एकेडमी पे ही मिलेंगे। बहुत ही कूल टिप्स एंड ट्रिक्स है, देखते हैं तो छोटे बड़े करते थे। जैसे एक तो मेरा फिनिशिंग लेयर भी आ जाएगा हेयर में एंड दिखने में भी अच्छा दिख के आएगा, तो इस तरह से आपके कर्ल्स भी फास्ट हो जाएंगे। नहीं हाँ भले स्वेटर पर अभी ट्राई कर रही हूँ बट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है अभी? अगर आप लाइव को अभी शेयर करना चाहोगे स्टोरी पे तो अभी नहीं होगा, लाइव खत्म होने दीजिए, हम सेव कर देंगे, फिर आप जरूर से ट्राई करिए, उसके बाद ही होता है। सो लाइव को आप डायरेक्टली स्टोरी पे नहीं डाल सकते हो। स्टोरी पे कैसे ऐड करना है? स्टोरी पे आप लाइव होने के बाद, जैसे ही लाइव हो जाएगा हम सेव करके रखेंगे लाइव को, उसी लाइव को आपको बाद में सिर्फ आपके स्टोरी पे डाल देना है। अकाउंट में जाइए और शेयर, यस, और शेयर कर दीजिए। उसके लिए आप अकाउंट को स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो। ये बंद हो गया है, प्रेस करो, बंद हो गया है।
एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है तुम्हारे लोगों की। तो इस तरह से इन और आउट के कर्ल्स करने में वॉल्यूम भी थोड़ा दिख के आएगा और दिखने में भी थोड़ा अच्छा दिख के आएगा। तो आज का लाइव जिन्होंने भी मिस किया है, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू सेव दिस लाइव सेशन। लाइव सेशन सेव करके रखेंगे और इसी लाइव सेशन को आपको शेयर करना है आपके स्टोरी पे, टैग 5 डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट फ्रॉम योर अकाउंट एंड मेक श्योर यू आर सेंडिंग द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर विच इज 9773354947। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप भेज देना है आपके स्टोरी का स्क्रीनशॉट का, हम वेरीफाई कर लेंगे एंड यू विल गेट अ चांस टू, इनफैक्ट इफ सर एवरीथिंग इज प्रॉपरली फाइन, यू विल डेफिनेटली गेट टू रजिस्टर अवर कोर्स एट जस्ट ₹500 विद अ 50% डिस्काउंट। सो 50% डिस्काउंट इसीलिए बिकॉज अभी हमारे रजिस्ट्रेशन की जो फीस है दैट इज ₹1000। सो जिनको भी रजिस्टर करना है 1000 पे डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ₹500 सेव करने हैं एंड टू डू दैट यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, वही आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टोरी पे आपके हमारे लाइव को शेयर करना है और स्टोरी पे आपको, उसी स्टोरी पे आपको आपके 5 मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट फ्रेंड्स को भी टैग करना है, उनको टैग करके जस्ट मेक श्योर दैट यू आर सेंडिंग द स्क्रीन शॉट ऑफ दैट ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर से भेजिएगा ताकि हम वेरीफाई करके आपको बता देंगे। एंड देखिए ये सब करते करते ही हमारा पूरा स्टाइल भी कंप्लीट हो चुका है, वी आर डन विद द हेयर स्टाइल टुडे। सो अभी कैसा लग रहा है बताइए जल्दी से कमेंट में, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही इसको देखा था विदाउट एनी कर्ल्स, अभी आप कर्ल्स के साथ देख रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट में बताइए। सी हाउ वंडरफुली एवरीथिंग हैज चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल कर्ल्स दैट वी हैव पुट। और ये जो है लॉन्ग कर्ल्स है, यू विल नॉट इवन टेक मोर देन 2 to 3 minutes। हमारा मशीन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, सो इट वॉज नॉट गेटिंग हीटेड प्रॉपरली, इसीलिए हमें थोड़ा टाइम लगा है, अदरवाइज 2 minutes or 3 minutes इज मैक्सिमम दैट यू विल टेक टू डू फॉर दीज मेनी लॉन्ग हेयर।
नाइस, थैंक यू। So that's the final look now guys. This is the third variation that we have shown for the day. और उसी third variation पे आप जो अभी देख रहे हो, तीसरे variation पे हमने braid styles के साथ में curls भी बता दिए हैं. So they are very quick three styles that we have shown for today. और ये सब saved रहेगा हमारे live session पे, live session saved रहेगा हमारे account पे. जरूर से फिर से देखिएगा, शेयर करना मत भूले आपके स्टोरी पर, आपके 5 मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट फ्रेंड्स को टैग कर दीजिए स्टोरी पर साथ में, और उसी का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विच इज 9773354947. हम चेक करके आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा इन आवर 15 डेज ऑफ हेयर स्टाइल कोर्स, जहां पे आप बेसिक टू एडवांस 25+ वेरिएशन भी सीखोगे, हेयर स्टाइल्स भी सीखोगे जो क्विक रनिंग है. ये सब आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है 1000 पे, लेकिन अगर आपने स्टोरी पे आज का लाइव शेयर किया होगा 5 मेकअप आर्टिस्ट हेयर स्टाइलिस्ट फ्रेंड्स को टैग करके, तो आपको ये करने कोर्स करने मिलेगा जस्ट एट ₹500 गाइस. सो 500 इज व्हाट इज द फीस यू विल बी पेइंग एज रजिस्ट्रेशन फीस, देयर विल बी नो कोर्स फीस एट ऑल. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस ऑन दिस वीडियो टुडे, एंड वी विल कम बैक वेरी सून वंस अगेन. टिल देन कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम.